well My session i sort of a career counseling what career opportunities are there after commerce graduation any of you who are already graduate or appear in by final year of graduation exam or maybe one in the coming year is the last year for graduation it is for you all of you already know most of you already know me as a speaker that i'm teaching accounting subjects since last 40 years i was also a visiting faculty at institute of chartered accountants of india program director in Vitima college and fimongi college as becom owners and uh, many of you are already referring to my accounting channel youtube channel treasure of accounts you already know i'm commerce graduate i'm law graduate I'm chartered accountant, cost accountant, master in business finance, doctorate in philosophy from Pune University. So, what is it about? Now that we have completed graduation or about to complete graduation, how do we find the job in private sector? Our own. Because many of you are already placed.

स्टडिंग ब्लड के बारे में स्कॉलरशिप के बारे में मुझे तो अपना बिजनेस करना है एंटरप्रेन्योरशिप एंड लास्टली बोनस टिप्स ये खास लेके जाना ये क्या है वेट टिल एंड एंड तक आप रुकिएगा सबसे बोनस टिप्स तो आप लेके ही जाना सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हम लोग ये आज ये कवर करने वाले है Now,

आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज स्ट्रॉग रिक्वेस्ट टू पुट वीडियो ऑन आयुषी अभय आदित्य अक्षरा आयुषी दादा धोवी आप वीडियो ऑन रख सकते हैं? देखो वीडियो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका बोलिए वीडियो ऑन कोई किसी का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सौम्या दी क्या मोटेबल टू करते वीडियो ऑन वीडियो ऑन नहीं हो रहा किसी का भी नहीं हो रहा है हम सर सी राइट right. वैसे तो होना चाहिए बट अभी नहीं हो रहा है तो फिर भी गो है यस yes, मैंने तो कैमेरा का परमिशन भी दे दिया है आई डोंट डों वे नहीं हो रहा है तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हाँ वीडियो ऑन हो रहा है देखो अभी तो किया तो ऑलरेडी डन दो वीडियो ऑन ऑनप्रीत आदया ठीक है लेट्स स्टार्ट दे हम शुरू करें ओके okay. तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है अपॉर्चुनिटीजर कॉमर्स ग्रेजुएशन ओके हाउ डू वी फाइंड द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर फॉर द स्टडी ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स फॉरेन स्टडी स्कॉलरशिप एंटरप्रेन्योरशिप एंड बोनस सबसे पहला देखो आपका कैंपस प्लेस बंद कर दीजिए तब रिसअ न हाउ डू वी फाइंड द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखो इन मेनी ऑफ द कॉलेज दे ऑलरेडी हैव कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वहां से हमें अपनी पसंदगी की जॉब मिलता है तो अच्छी बात है सपोज हमें जॉब नहीं मिली या तो वी डिड नॉट रजिस्टर फॉर कैंपस प्लेसमेंट या हमारी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं है डू बी फाइंड द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर अब मैं फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ right, क्या करना चाहिए सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको क्या हमारी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री की लाइकिंग है आई टेल यू विच आर द इंडस्ट्री कंपेरेटिवली पे मोर आई मीन उनका पे पैकेट ज्यादा होता है टेल यू सच एग्जाम्पल इज रियल एस्टेट सेक्टर उनकी टिकट साइज बड़ी होती है इंडस्ट्री वेरी यदि आपकी कोई पर्टिक्यूलर लाइकिंग है जैसे किसी को बोलता है तो एविएस सेक्टर में जाना है सप्लाई चेन में ही जाना है किसी को फाइनेंस फील्ड में ही जाना है देन देर इज नो हार्म और यदि आपने अभी तक कोई जॉब नहीं लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस बैंकिंग कंसल्टिंग मार्केटिंग एफ एमजी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक आईडेंटिफाई योर इंटरेस्ट चेक करो आप क्या रोल लेना चाहते हैं मे बी एनालिस्ट मे बी मार्केटिंग एसोसिएट अकाउंटेंट बनना है बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स में जाना है यू विल हैव टू मेक अ रिसर्च ऑफ योर ओन कि मुझे इंटरेस्ट है यदि मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट आप इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करिए जैसे मैंने अभी अभी बताया कि क्या आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग टाइप में है फाइनेंस टाइप में है मार्केटिंग एंड सेल्स में ह्यूमन रिसोर्स में है मैनेजमेंट में, में है अदर फील्ड लाइक कंसल्टिंग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन अपना इंटरेस्ट किस किसमें पता करो क्योंकि जब मैं कॉलेज में इंटरेक्ट करता हूँ कुछ लोग बोलते हैं मुझे फाइनेंस फील्ड में ही इंटरेस्ट है अकाउंटेंट नहीं बनना है अकाउंटिंग में नहीं जाना है कुछ लोग बोलते थे मुझे मार्केटिंग में जाना है सेल्स में जाना है कुछ लोग बोलते थे मुझे एचआर में जाना है कुछ लोग बोलते हैं सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक फील्ड में जाना है कुछ लोग स्पेसिफिकली एनालिस्ट इंटरेस्टेड थे So, पता करिए अपना इंटरेस्ट क्या है डोंट वरी आपका फ्रेंड किसमें जा रहा है फाइंड आउट वॉट आर योर इंटरेस्ट सबसे पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहला काम यू मस्ट ऑलरेडी डन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करिए वेरी इंपॉर्टेंट मेरा कहने का क्या मतलब है आप अपना प्रोफाइल बनाए सबसे पहला काम लिंक पर जाइए एक अच्छा कंपेलिंग प्रोफाइल बनाइए अपना जो स्किल है जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्किल है जो आपकी कॉलेज की अचीवमेंट है आप फ्रेशर है, नो फ्रेशर है, उसमें कोई हार्म नहीं है आपकी जो स्किल है आपकी जो अचीवमेंट है आपका जो एकेडमिक एंड अदर प्रोजेक्ट्स है आपका जो सोशल सर्विस और अदर एक्टिविटी में पार्ट लिया है हाईलाइट करिए स्ट्रांग प्रोफाइल बनाइए जो आईटी रिलेटेड होता है ना आईटी रिलेटेड वो क्या करते हैं पता है उनका गिटहब वगैरह है वहां उनको अपना प्रोग्राम वगैरह अपडेट करना होता है लेकिन हम लोग का कॉमर्स वाले का वो सब नहीं है तो आप अपना एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाइए आप लोग में से कितने लोगों ने ऑलरेडी लिंगड इन पर प्रोफाइल बनाया है हाथ ऊपर कर दीजिए जरा कितने लोगों ने लिंगड इन पर प्रोफाइल बनाया है हाथ ऊपर कर दीजिए लिंगड इन पर हाथ ऊपर करो लिंगड इन पर प्रोफाइल बनाया ये सबसे पहला अच्छा काम है दैट इज वॉट यू डन इज अ परफेक्टली That is the first and foremost thing you have done good thing. OK, what is the next thing you are going to do? Up next. Kya karne कैन यू हियर मी आप सुन सकते हैं ना प्लीज बोलिए एक जन माइक में बोलो एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ यू कैन यू हिस्सर मीस सर और स्क्रीन yes, भी, yes, yes. भी दिखता है ना स्क्रीन भी दिखता है ना ओके प्रोफाइल बनाने के बाद लिंकड इन प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स है बराबर है जैसे कि नौकरी डॉट कॉम है इंडीड है मोन्स्टर है वहां पर आप सबसे पहला काम रजिस्टर कर दीजिए इनफेक्ट ये ऑनलाइन का जमाना है अभी ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइंडिंग आउट द जॉब एज गुड कंपेलिंग प्रोफाइल ऑन लिंक नौकरी डॉट कॉम इन डीट वगैरह जिसको हम जॉब प्रोफाइल प्लेसमेंट पोर्टल बोलते हैं वहाँ रजिस्टर कर दीजिए यदि आप चार्ट अकाउंटेंसी करते हैं तो उनके पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं सीएमए करते हैं तो उनके पोर्टल पर रजिस्टर कर करिएगा ओके फिर आपने इंडस्ट्री की रिसर्च की अपना एरिया का रिसर्च किया अब आप कंपनी को आइडेंटिफाई कर दो यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रिफरेंस है जैसे यदि आप गूगल में टाइप करेंगे आर टेन बेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया और फिफ्टी बेस्ट एम्प्लॉयर वाई टेन फिफ्टी बेस्ट एम्प्लॉयर तो आपको लिस्ट ऑफ फिफ्टी बेस्ट एम्प्लॉयर आ जाएंगे बस स्क्रीनशॉट ले, ले लो बेस्ट फिफ्टी प्राइवेट एम्प्लॉयर का एक स्क्रीनशॉट ले लो अब वो रिस्पेक्टिव कंपनी की वेबसाइट पर जाओ वो रिस्पेक्टिव कंपनी की वेबसाइट पर करियर करके कॉलम्स होता है टैब होता है अब कंपनी की वेबसाइट पर जाओ करियर में जाओ वहां जब भी उनके पास हायरिंग होती है वैकेंसीज खाली होता है ना वो एडवर्टाइज करते हैं कि वी आर हायरिंग

अब कंपनी वेबसाइट चेक करिए आपने गूगल में सर्च किया 50 बेस्ट एम्प्लॉयर 50 बेस्ट स्टार्टअप 50 बेस्ट फाइनेंस कंपनी 50 बेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी 50 बेस्ट आईटी कंपनी 50 बेस्ट एविएशन कंपनी तो जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं 50 बेस्ट कंपनी का लिस्ट आउट करिए उनकी वेबसाइट ओपन करिए वहां करियर कॉलम में जाके रजिस्टर करिए गूगल में आप टाइप करिए फिफ्टी बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी फॉर फ्रैक्शर उनको अपना प्रोफाइल भेजिए ओके okay? आपको अपना अच्छा सा रिज्यूम बनाना होगा एक अच्छा सा कवरिंग लेटर आपको टाइप करना होगा सो क्राफ्ट पावरफुल रिज्यूम आप गूगल पर सर्च कर दिए आपको टेम्पलेट प्रोफेशनल रिज्यूम्स मिल जाएंगे आपको तो जस्ट कट एंड पेस्ट अपना रिज्यूम बनाना है हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूम इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट उसके पर हम टच ट रहे हैं

वो जो अच्छे इंडस्ट्री के अच्छे स्पीकर होते हैं वो LinkedIn और अदर सिमिलर होते हैं, उनको फॉलो करिए उनका नेटवर्क बनाइए एक एग्जाम्पल मैं कॉलेज में हमेशा देता हूँ कि जो भी स्पीकर अच्छा है जो कंपनी में आप जाना चाहते हैं उनका लीडर को उनका मैनेजर को फॉलो करो वो बहुत सारे आर्टिकल लिखते रहते हैं आप 80 परसेंट एग्री करो वो जो बताते हैं

मॉक इंटरव्यू लीजिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑन डिमांड जो स्किल आजकल चल रही है उसकी मास्टरी करिए वो टेक्निकल स्किल हो सकती है सॉफ्ट स्किल हो सकती है जैसे टेक्निकल स्किल में बोलूं तो फाइनेंस फील्ड में फाइनेंशियल मॉडलिंग है डेटा एनालिटिक्स है डिजिटल मार्केटिंग है आईटी रिलेटेड स्किल है एक्सेल तो मस्ट है आप ओनली एक्सेल अच्छा जानते हैं तो भी आपकी नौकरी पक्की है सो गूगल में सर्च करिए कि भाई नेक्स्ट टेन इयर्स में क्या स्किल डिमांडिंग में है अब का करिए उनको पूछिए व्हाट आर की डिमांडिंग स्किल और वो कीजिए टाइम मैनेजमेंट तो मस्ट है सो जो अभी स्किल चल रही है डिमांड में है उसको अक्वायर करिए okay? अपना इंटरव्यू की तैयारी करिए मोक प्रैक्टिस Common interview question. Research the company. जो में देने जाने वाले, how to prepare for interview तो एक अलग topic है। हम उसके बातें नहीं कर रहे। लेकिन एक बात बोलता हूँ जो कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कंपनी वेबसाइट न्यूज न्यूज एक्मुलेट करो क्योंकि यदि कंपनी में आप इंटरेस्ट लेंगे ना तो कंपनी वाले आप में इंटरेस्ट लेंगे सो बी वेरी केयरफुल गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी व्हाट यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी का यू नो प्रोफाइल्स उनका जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज है उनकी स्पेशलिटी क्या है एंड सो ऑन कंपनी मैनेजमेंट आपका रिज्यूमे इंटर्नशिप जो आपने किया उसके बारे में पक्का लिखना आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसके बारे में जॉब से लिखिए एंड यू टू बी परसिस्टेंट एंड पेशेंट अब हमारे वहां जो अभी ये जो अटेंड कर रहे हैं उसमें एक हमारी पिछले पहले की एक स्टूडेंट है कृतिका पटेल कृतिका कैन यू पुट ऑन वीडियो

the process was no different. i created a good profile on linkedin. Um, i looked for companies which were actually hiring. i used to go on their website. i used to apply over there. so first, uh, so earlier i got a job at Vista in uh, around august. so that profile was mainly accounting, right? and meanwhile, i was already applying elsewhere also. Because I really wanted to get into big four or consulting, particularly. So, while I was working, I was also applying elsewhere. And then I got a call from Eva and Ancient Paints. And yeah, so basically, they just looked into my profile. They liked what I did, um, they liked my article sh uh, articleship, internship. And uh, yeah, and then they hired me. It was not very different from what Vijay Sir mentioned. तो कृतिका यदि आपका फ्रेंड ने आपको पूछा कि उनको अपने आप जॉब फाइंड करनी है व्हाट आर द थ्री थिंग्स दे शुड डू अपने आप जॉब फाइंड करनी है थ्री थिंग्स दे शुड डू आई थिंक फर्स्टली लिंक्डइन इज इंपॉर्टेंट लिंक्डइन नौकरी.com एवरीवेयर यू हैव टू क्रिएट योर प्रेजेंस ओवर देयर एंड अप्लाई थ्रू कंपनी वेबसाइट्स आल्सो लाइक जस्ट यू हैव यू मेंशन की करियर में होता है there you can go and apply

थैंक यू वेरी मच ओके हमने जीमे गंगर का हमने एक लेक्चर रखा था जीमे फाउंड ऑन कंपनी एट द पैकेज ऑफ़ कोई कॉलेज की हेल्प नहीं लिया था हमने जीमे का लेक्चर रखा था उसको हमने पूछा था कि हाउ डिड यू फाइंड द लेक्चर योर ओन तो उसने बताया कि आई अप्लाइड टू कंपनी वेबसाइट हमने स्पेशल लेक्चर रखा था पुतिका पटेल को लिंकडीन से जॉब मिली जीना 21 लाख है एनुअल पैकेज जस्ट कॉमर्स ग्रेजुएट ही अप्लाइड एवरी वेब ऑन कंपनी वेबसाइट यस आशीष सर आपको कुछ कहना है आशीष सर या हाउ टू फाइंड द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर या या टेल मी आशीष सर आशीष सर आशीष सर बोलना है नहीं सर आपने कवर okay. कर लिया सब ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच देन वी कंटिन्यू कंटिन्यू हम continue कर रहे हैं अब आपको पता है द स्टडी ऑप्शन सो एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज नंबर वन

करिए अपना इंटरेस्ट अपनी कंपनी गूगल में सर्च करिए 50 बेस्ट फाइनेंस कंपनी 50 company, 50 बेस्ट बेस्ट कंपनी कंपनी लॉजिस्टिक जहां हम काम करना चाहते हैं जो सेक्टर में हमको इंटरेस्ट है वो कंपनी की वेबसाइट पर जाइए एंड सेंड योर रिज्यूम टू द दर मैनेजर प्लेसमेंट एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए नाउ मेनी स्टूडेंट्स उनको इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब नहीं करनी है यहाँ तो जॉब करने करने साथ में पढ़ना है यहाँ तो वो बोलते हैं पहले मुझे हमको मास्टर्स कर लेना है एमबीए कर लेना है बाद में हम जॉब करेंगे सो फर्दर स्टडी ऑप्शन वाई फर्दर स्टडी ऑप्शन ऑब्वियसली टू ब्रोडन अवर होराइजन वाई फर्दर स्टडी यू नो करियर एडवांसमेंट यदि हमको ऑलरेडी जॉब है तो एडवांसमेंट के लिए हमको फर्दर स्टडी uh, लगेगा ओके okay? स्पेशलाइजेशन यस सर या सर आपको स्पॉटलाइट पे नहीं सर आपका वीडियो स्पॉटलाइट पे नहीं है ओके बट प्रेजेंटेशन आ रहा है मेरा हाँ सर आ गया आप एक बार करेक्ट ओके प्रेजेंटेशन आवे कि नहीं जरा मुझे बताइए और अभी आप स्क्रीन शेयर करिए सर एक मिनट आई आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन सर मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो अब ठीक है Do let me know. Is the screen coming properly? Screen are right, sir? What's screen be visible or be visible. Here. Okay. All right. Thank you. Thank you, sir. So, why further study? Obviously, career advancement. Higher education will lead to promotion, high salary. Just a only commerce graduate too. Some of us have started at 50,000, 60,000 a month. You know, if i have got a master's, I may start one lakh. If i have got an MBA, one and a half lakh, two lakh per month. So, obviously, power of further studies in higher, uh, getting good company, high salary, specialization. Right now, we are just a commerce graduate. You know, our base is strong, but we want to acquire a specific expertise in the field of finance, in the field of marketing, in the field of project management, in the field of data science. So, for that, I need further study. अच्छा फर्दर स्टडी विल गिव अस अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा पॉइंट है ये आई नो मेनी ऑफ द सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल जब वो लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कर रहे थे मे बी मास्टर्स डिग्री एमबीए इन इंडिया आउटसाइड इंडिया तो वहां जो उन्होंने पीयर नेटवर्क डेवलप किया था उसकी मदद से वो लोग को अच्छी जॉब मिली या तो यदि वो लोग बिजनेस में गए तो उनके कांटेक्ट्स उन्हें यूज हुआ

Or we can go for our conventional MBA. It can be a full-time MBA of two years, or it can part-time MBA of three years. We normally advise full-time MBA of two years. Yadi join then they can go for family managed MBA. Obviously, it will develop a broader business perspective covering the field of marketing, finance, operation, leadership, entrepreneurship, and so on.

टू बार एग्जाम होती थी लाइक मे नवंबर सपोज मैं फेल हो गया तो आई है लेटेस्टेस मेड इन थ्री अकाउंटेंट दे वॉट इज सी एंडिया टू अमेरिका ये तो बहुत अच्छा है only four papers, only four. इन ईयर फोर टाइम एग्जाम होता है मतलब आप फोर पेपर बैठे दो ही पास हुआ तो कोई वादा नहीं बाद में ओनली टू पेपर टू गिव और एक पास हो गया तो अभी ओनली वन इज लेफ्ट सो द लेफ्टियस एडवांटेज इज सी यू विल फाइंड वेरी लेस इन इंडिया क्योंकि अर्ली एग्जाम देने मुझे यूएसए जाना पड़ता था बट सेप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी से वो एग्जाम अभी इंडिया में हो गया है सो आई नो वो सी ए में अनसक्सेसफुल है दे आर गोइंग फॉर Obviously, आप ए कर सकते हैं सी ए में यूएसए कर सकते हैं सी ए कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया कर सकते हैं ऑल टाइम फेवरेट आप सी एफ ए कर सकते हैं और आप लॉ परस्यू कर सकते हैं तो दिस आर द नॉर्मल कॉमर्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैं नॉर्मली हमेशा एक मानता हूँ कि सभी स्टूडेंट के पास हम कॉमर्स वाले के पास एटलीस्ट एक मास्टर्स डिग्री या तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए ंगली जितने भी लोग आ जाए मैं तो बोलता हूँ कसम खा के जाऊँ commerce आफ्टर कॉमर्स ग्रेजुएशन यू मे गो फॉर डायरेक्टली जॉब और यू मे गो see that बट सी दैट एटलीस्ट यू either मास्टर्स डिग्री और वन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक तो होना ही चाहिए सपोज सो अल्टीमेटली आपने फर्दर स्टडी के बारे में क्या सोच लिया या तो आप मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं या तो फिर आप MBA कर रहे हैं

कन्वेंशनल मास्टर्स डिग्री नहीं लेना चाहते हैं तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लो आपका करियर एंड द लाइफ सेट हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बड़े सिटीज है लाइक बॉम्बे वहां गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज नहीं है द रीजन इज हमारे वहां एटलीस्ट बॉम्बे की बात करूँ तो बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में बट सम स्टेट्स इन इंडिया उत्तर प्रदेश बिहार इवन की प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्रीज कमी था तो वहां बच्चा पैदा होते ही उनकी नजर गवर्नमेंट जॉब में ही होती है तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करना मतलब कहाँ जॉब मिलती है मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वी कॉल इट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जनरली ये गवर्नमेंट जॉब यहाँ होती है सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा गवर्नमेंट जॉब लोग कब से क्यों है भाई? नंबर वन स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी पता है ना एक बार गवर्नमेंट जॉब में नौकरी लग गई देर बी नो फायरिंग जैसे प्राइवेट सेक्टर में हायर एंड फायर हो सकता है वॉट वी कॉल्ड पिंक स्लीप गवर्नमेंट जॉब में बहुत ईजी नहीं है सो देर इज स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है competitive benefit and perks uh, see once upon a time salary level were less in government job but you know the seventh pay commission shall on. Right. in fact eighth pay commission will come so salary level is also reasonably good i will say it can't be compared with the private sector at higher level lower level government job may be a better but higher level private sector pays more but still the salary at government job is also quite competitive now a lot of perquisites and benefits available to the government job which may not be there in the private sector and of course lastly government job ko job na lete huye, aapko ek purpose lena hai, contribution to our you know fellow human being lena hai contribution to nation lena hai so it is like career as well as a contribution and of course you get a diverse opportunity in central state municipal psus and so on अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे बेस्ट और टॉप मोस्ट जॉब है वो तो ऑफ कोर्स यूनियन सिविल सर्विस कमीशन है यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईएफएससी मिलेगा अदर एग्जाम्स ओके जैसे रिसो बैंक में जाना है तो भी रिजो uh, है रिसो बैंक वाले लोग एग्जाम्स लेते हैं सो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम जॉब एट एंट्री लेवल ग्रेजुएशन के बाद जो होती है ना वो एग्जाम से ही होती है एग्जाम्स इंटरव्यू एंड सो एट वेरी हाई लेवल डायरेक्टर लेवल मतलब सर्विस रिक्रुटमेंट बोर्ड एग्जाम लेती है नेशनलाइज बैंक के लिए प्रोबिशल ऑफिस एग्जाम सेम वे स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपीएससी है सेंट्रल के लिए वैसे सब रिस्पेक्टिव स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जैसे महाराष्ट्र में एम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सभी स्टेट का अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम लेते हैं फिर जो म्यूनसिपालिटी होती है जैसे बॉम्बे म्युनसिपालिटी इनफैक्ट बॉम्बे म्यूनसिपालिटी बिगस स्टेट like इतना बड़ा बजट है तो म्यूनसिपालिटी वो अपनी एग्जाम्स लेती है So, आप जो में रहते हैं यदि आप तो म्यूनसिपल जॉब जाँग चाहिए मेरे अपने खुद के स्टूडेंट है वो रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने अपनी जॉब के लिए एग्जाम्स लेती है तो जैसे कि इफ यू फाइंड आउट आप गूगल में टाइप करिए ट्वेंटी बेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग टू वर्क विथ तो आपको 20 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बेस्ट कंपनियां मिल जाएगी फिर वो कंपनी के वेबसाइट जाइए वहां करियर होगा वहां पता करिए कि उनकी खुद की क्या क्या जॉब ऑप्टिंग है और उनकी प्रोसेस क्या है सभी पब्लिक गवर्नमेंट जॉब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के लिए कॉमन टिप्स यही है कि फोकस ऑन एनालिटिकल रीजनिंग स्किल कम्युनिकेशन स्किल आईटी रिलेटेड स्किल उनकी वेबसाइट पर जाइए पोर्टल पर जाइए and you to prepare for that exams, interview, the like give mock test and so on. But I consider the last point as very important. Government job ke liye, pahla, make up your mind that you want to work in government sector. Ye sabse pehla point hai. Because Mumbai wale ke liye, government job ka itna craze nahi hai. In, some of the people are not so keen. However, I don't say government jobs are bad, but most important is make up your mind.

तो नॉन मुंबई वाले को मुंबई में एक्सपोजर लेना है तो सेम वे हमको दूसरे कंट्री से भी एक्सपोजर लेते हैं तो वाई वी स्टडी फॉरेन ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक्सेस टू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी विथ रिनाउंड फैकल्टी कटिंग एज रिसर्च फैसिलिटी एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी ऑब्वियसली फॉरन डिग्री बिल कीपर्स है यू नो वन स्टेप अहेड ऑफ अदर पर्सन वी विल डेवलपर सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन ए मल्टी कल्चरल मल्टीवेल एनवाइ एंड ऑब्वियसली पर्सनल ग्रोथ के लिए इंडिपेंडेंस इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ फॉरन में जाके पढ़ने के लिए इन एडिशन टू स्टडी पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट करेंगे बट आप लाइफ लर्निंग स्किल सीख चाहते हैं सर्वाइवल स्किल सीख चाहते हैं माइ चिल आर इन यूएसए इन कैनेडा

मार्केटिंग इकोनॉमिक्स इवेंट या तो हम स्पेशलाइज प्रोग्राम लाइक डेटा साइंस आईटी रिलेटेड एंड सिमिलर स्किल्स के लिए जा रहे सो बेचलर्स डिग्री तो हमने इंडिया में ले ली है तो मास्टर्स के लिए जाएंगे प्रीफर्ड डिग्री जो हमें वो लोग देंगे वो एमएस देते हैं कभी एमएस देते हैं, कभी एमएससी देते है डोंट गो बाय द नेम ऑफ द डिग्री टॉप डेस्टिनेशन जनरली हम लोग इंडिया से कहाँ जाते हैं नैदरलैंड इवन एशियन कंट्री लाइक सिंगापुर जाते हैं इवन है, है, है. like like है. uh, ये इंडोनेशिया मनीला का एम बी एज नंबर वन हॉन्गक भी लोग जाते है सो दिज आर द टॉप कंट्रीज स्टूडेंट गो फॉर फर्दर स्टडी हाँ अब हमको है ना अब ध्यान से सुनना पूरा रिसर्च करना पड़ेगा अभी बहुत सिंपल है रिसर्च आप गूगल वगैरह से कर सकते हैं आप रिसर्च यूट्यूब वगैरह से कर सकते हैं फेसबुक वगैरह से कर सकते हैं उनका रिव्यू ले सकते हैं तो आप सबसे पहला देखिए आपको कंट्री पहला तो शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा कौन से कंट्री में जाना है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना जाना है, है? कौन से प्रोग्राम के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस कम बैक इन इंडिया बट they देर एंड settle. सो यदि आपका इंटेंशन सेटल होना है तो यू टू लुक एट द क्या उनका वीजा फ्रेंडली और वॉट यू कॉल पॉलिसी है फिर आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना है प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करना है वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को देखनी है क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज टेक 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 द जीमेट एग्जाम सम सम दे डोंट एट ऑल आपकी मुंबई की डिग्री इज इनफ फॉर सेम आपको देखना है कि टॉफेल और आयल्स जो इंग्लिश रिलेटेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको लगेगा या नहीं लगेगा आप स्ट्रेट पे जीमेट जी की तैयारी मत करो दे रिक्वायर दे मे नॉट रिक्वायर सम यूनिवर्सिटी रिक्वायर 16 इयर्स स्टडी बट सम डोंट रिक्वायर देन उंसिलर गेट द मैक्सिम इन्फॉर्मेशन मुंबई में बहुत सारे जॉब फेर आते रहते हैं फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या कोई स्कॉलरशिप वगैरह होती है बहुत सारी होती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेंट्रल स्कॉलरशिप होती है

So, आपको पूरी तैयारी अभी से ही करनी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है जैसे कम्स इन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है इन माइनॉरिटी सेक्शन की स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देते हैं ओके okay? जैसे कि मैं बोलता हूं कुछ मैंने पोर्टल दिया है it's a scholarship scholarships.com leverage education is a website study they help you to get the scholarship they give you full information so we the scholarship offered by various universities also okay yes a portal they give us information and guidelines for various university aid and international scholarship फिर आगा खानी फाउंडेशन की वेबसाइट दो वो आगा खानी स्टोन को स्कॉलरशिप देते है। इनलेक है। इवन दे, देता है रोड ट्रस्ट ऑफ इंडिया नरोत्तम सेक्सरिया आपको कोई टेंशन नहीं है अभी नहीं मालूम है तो आपको अभी सर्च करना है गूगल में जाके स्कॉलरशिप इन इंडिया स्कॉलरशिप इन एनजीओस आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रथम एडुकेशन एक्शन एड इन इंडिया ये सभी पोर्टल आपको स्कॉलरशिप के बारे में देंगे जैसे जैन लोग है तो जी तो जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो और स्कॉलरशिप देता है सब बहुत सारे अपनी अपनी कम्युनिटी की स्कॉलरशिप होता है जैसे मेरी कम्युनिटी में वी हैव द ट्रस्ट दे गिव स्कॉलरशिप टू अवर कम्युनिटी पीपल केवीओ

लेकिन इंटरेस्ट तो आप मंथली मंथली अभी से ही देना चालू करना है इंटरेस्ट सेकंड स्कीम उनकी ये होती है कि आप अभी लोन ले लो अभी इंटरेस्ट भी मत दो डोंट गिव आप इंटरेस्ट भी है ना बच्चे की पढ़ाई खत्म होने के बाद देना चालू करना सो विजिट द बैंक ऑल द नेशनलाइज बैंक मोस्ट कोऑपरेटिव बैंक मोस्ट प्राइवेट बैंक गिव्स द लोन्स सो स्कॉलरशिप पर्पज आपको लेना है तो कुछ बातें याद रखना स्टार्ट अर्ली क्योंकि सभी स्कॉलरशिप की कुछ डेडलाइंस होती है सो so, यो आप अलग अलग रिसर्च करिए शॉर्टलिस्ट करिए ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है उसकी डेडलाइन पड़ी है कि क्या है कोई किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए स्कॉलरशिप देते हैं कोई जनरल्स स्कॉलरशिप देते हैं कोई लेडी एंड जेंट्स मेल फीमेल दोनों को देते हैं कोई ओनली फीमेल को भी देने वाले हैं सो यू मीट ऑल द क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप एंड ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात होती है कि स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा मेंटेन करना जरूरी है ऑफ एंडक्शन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए कैसे फंडिंग लिया था क्या स्कॉलरशिप लिया था दीनियर स्टूडेंट्स और आजकल तो सोशल uh, मीडिया के जमाने में टू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ नोन एंड अन पीपल इज वेरी सिम्पल सपोज मुझे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है Uh, मैंने हमारे स्टूडेंट ग्रुप पर इंफॉर्मेशन भी पूछा था कितने लोग ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है सम स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाइक आर्यन बोला मैंने स्टार्ट किया है वान्या uh, जैन बोला हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है मेनी so स्टूडेंट uh, एक दो ने बोला हम पेरेंट्स के बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं सो वेल मुझे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वेल मेरी यू नो वट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बोलेगा पैसा वो सब सेकेंडरी है ऐसा नहीं बोलता हूं पैसा नहीं लगता है the first thing is your mindset. Entrepreneurial spirit होना चाहिए। कुछ कम्युनिटी कुछ ब्लड में entrepreneur ही होता है वो पहले से ही सोचता है मुझे तो अपना ही करना है भले मैं स्टार्टिंग में दो साल जॉब करता हूँ तीन साल जॉब करता हूँ पांच साल जॉब करता हूं बट मेरा जो पावर ऑफ ए चेक मुझे चेक कटिंग करना है मुझे मंथ एंड

वो इतना इजी अभी नहीं होता अब मोर कॉम्पिटिटिव है सो नाउ यू नीड टू इसका बिजनेस स्टार्ट करें व्हाट बिजनेस एंड हाउ तो देर लॉट मेनी वेरियस वे अब गूगल वगैरह सर्च कर दीजिए टिप्स मिल जाएगी कि द बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इज इट सेटिस्फाइंग सम सॉल्विंग सम प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट जैसे यू you नो know, पर्टिकुलर प्लेस पर अच्छे टीचर की कमी है वेल देन पर्टिकुलर ही नहीं, है। नहीं मिलता है तो प्रिफरेबली राधर नोवाइस प्रोडक्ट जो आज तक पहले मार्केट में कभी नहीं आया है वो स्टार्ट करने के बदले में इफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज सॉल्विंग बेस्ट जैसे वानिया जैन हमारी स्टूडेंट है उसने फिटनेस सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया है प्री रिक्विजिट नाउ दैट वी हैव डिसाइडेड मुझे क्या बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप करना है कंपनी एलएलपी हम जो बिजनेस करना चाहते हैं क्या उसको रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लगती है तो वो सब फुलफिल करना होगा Obviously, हमको एक sort of a plan बनाना होगा, 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 करना करना तो आपको ये सब पर सिस्टमेटिकली काम करना होगा आप खाली गूगल में टाइप करेंगे ना हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस हाउ टू ग्रो द बिजनेस तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे

आप अपनी इंस्टीट्यूशन में बात करिए ओके okay, उनका एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है इनक्यूबेशन होता है दे मे प्रोवाइड यू इवन द मेक यूज ऑफ ऑल दिस राइट अब कुछ बोनस टिप तो हमने आज क्या क्या बात की नंबर वन मुझे अपने आप जॉब कैसे फाइंड करनी है नंबर टू फर्दर स्टडी मास्टर्स या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नंबर थ्री गवर्नमेंट जॉब नंबर फोर फॉरन स्टडी नंबर फाइव बिजनेस स्टार्ट करना है अब कुछ बोनस टिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैं अभी इसको दे रहा। बाकी को नहीं पहले वाले को नहीं. इसको मैं जादुई चिराग बोलता हूं आई टेल यू चिराग आ गए है अच्छा, पांच साल पहले ही नहीं थे मैं हजार साल दो सौ साल की बात नहीं कर रहा हूं यू नो सम ऑफ द जादू चिराग यू ऑलरेडी नो चैट जीपीटी आपको लेटर लिखा है, लिखना है आपको एप्लीकेशन लिखना है आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो जादुई चिराग है सेम वे गूगल का गूगल जेमिनी आप गूगल जेमिनी को पूछो गिव मी टेन सी चैट जीपीटी इंटर के साथ इंटरनेट के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है लेकिन गूगल का जेमिनी तो कनेक्टेड है ना आप उनको सीधा लिखो गिव मी लिस्ट ऑफ टेन टॉप finance company, where fresher can search the job. Aapko de denge. So learn to use different artificial intelligence. Kyunki artificial intelligence tool se specialized tool hai. Mujhe hai na kuch video ka dubbing karna tha. तो फिर Google Gemini directly नहीं कर सकता है but वो मुझे suggest करता है कि विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स available जो मेरा dubbing करेगा मुझे video create करना है

दूसरी बोनस टिप लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ये क्या है सी इनिशियली आप कॉमर्स ग्रेजुएट है मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला हाउ टू फाइंड द जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एमबीए करो मास्टर्स करो अच्छा नौकरी लो अबे आप अच्छा नौकरी करेंगे ना तो आप खुद जितना काम करेंगे उसी हिसाब से पैसा कमाएंगे बट यू वांट टू मेक मोर मनी देन यू शुड नॉट वर्क

अपस्किल स्किल के लिए बहुत सारा आप छोटा मोटा कोर्सेज पढ़ाई एक्सपीरियंस सीख सकते हैं जैसे आप गूगल में टाइप करो सऊजी भाई धोलक किया उसके जितने भी वीडियो है सुन लो बस और कुछ मत सुनो बस इनाफा मैं तो बोलता हूँ सिर्फ इतना ही नाम याद रखो सऊजी भाई धोलक किया डायमंड फैमिली का क्रिएटर है वो जो बारह रुपये से लेके आज बारह हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है more than that in fact sixteen ke upar he started with a capital of twelve rupees uh, or 15 rupees ab uska jitna bhi video available है सीख लो so, make use of artificial intelligence tool make use of google ke this video information बहुत सारा course ही सभी free है सब कुछ free है in fact मेरा खुद का accounting free है वो tuition लेना outdated concept हो गया है सब कुछ available है So learn to जैसे ही पैसा कमाने लगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आप मरते तो ही घर वाले को पैसा मिलता है तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बात याद रखना आपकी जो पॉलिसी अमाउंट है ना पर डे से बड़ा एक करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ जो भी मैक्सिमम मिले और जो इंश्योरेंस प्रीमियम मिनिमम होना चाहिए ना मिनिमम पर डे एक एक रुपया पर डे या दस रुपया पर डे या सौ रुपया पांच सौ रुपया पर डे नो मोर देन दैट सो दिस वाज माय बोनस याद रखना करियर देम सीरियसली थैंक यू फॉर लिस क्या क्वेश्चन है आपका एनी क्वेश्चन whatever I have covered so far? What did I cover?

एंड मैं आपको ये लेक्चर दे रहा I mean, हूँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना वेदर यू आर डूंगे फिफ्थ इम्पोर्टेंट बोनस टिप है जो मैं अंदर लिखा नहीं है तो कॉलेज में सिखाता हूँ ना आई एम नो कर लाइक एनी बडी एल्स बट आई डोंडर माई सेल्फ एज एम्प्लॉय आई कंसिडर एज एनर ऑफ माइ प्रोग्राम यदि चौबीस घंटा डे एंड नाइट मैं मेरा अच्छा प्रोडक्ट अच्छा सर्विस कैसे दे पाऊ उसी के बारे में सोचता हूँ यदि मैं ओनर हूँ तो मैं मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करू चौबीस बाई सेवन उसी पर ध्यान दे रहा हूँ रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जो रिवॉर्ड बोलते हैं जो प्रॉफिट बोलते है जो रेमेशन बोलते हैं तो बाय प्रोडक्ट है Once you deliver the best product and services, profit to an income to hai. Cho yad rakna, consider as yourself as an owner of whatever you do. Even if you are in employment, consider as an owner and give best of best. Don't worry about the reward. Even if you are an entrepreneur, give best of best. So may maybe last bonus tip thi. Yeah. Any question? Feel free to ask.

नाउ जो लेवल वन एग्जाम है वो आप कॉम के बाद कभी भी दे सकते हैं दैट मींस इवन इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट यू कैन अपीयर बट मैं मानता हूँ आप एसवाईटीवाई वाले हैं या तो एसवाईटीवाई खत्म हो गया है तो आप कभी भी लेवल वन एग्जाम दे सकते हैं बट बी वेरी केयरफुल क्योंकि वो यूएसए की एग्जाम है थोड़ी महंगी है आई थिंक सो फीस आर सम 1200 डॉलर 1200 डॉलर इनटू 85 ₹ करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख ₹ हो जाता है सो दैट वे द फीस आर लिटिल बिट हायर सो

यूएसए की है बट सिंस द एग्जामिनेशन इज इन इंडिया लॉट मेनी स्टूडेंट्स टू वही टेन लेवल थ्री में आता है बट द डेप्थ या यू अंडरस्टैंड इट सो अभी I mean. है, ना, इतना करने के बाद अभी आप क्या करिए गूगल में जस्ट चाहिए यूट्यूब पर आप खाली देखो सी एफ ए कैसे करेंगे तो आपको अभी सिर्फ सी एफ ए के वीडियो मिलेंगे सी एफ ए क्या होता है सी एफ ए कैसे प्रिपेयर करना होता है एंड सो ऑन तो यू विल यू नो स्पेंड सम मोर टाइम ऑन रिसर्चिंग ऑन सी ए बट क्रिशा ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए नो नो टी वाई तो यू आर फिट फॉर सी एफ एनली आप सी एफ ए है ना

ऑफ कोर्स सी एलएलबी तो तो लॉयर खुद बड़ा प्रोफेशन नहीं है ना ओनली द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए ओके okay? जरूरी नहीं है कि मेरी नेचर आर्ग्यूमेंटिव टाइप की है ऐसा मत समझना यू नो नो आई कभी कभी बच्चा बहुत आर्ग्यू करता है ना घर पे तो उसका घर वाले बोलता रहे ये तो लॉयर होने वाला है नॉट नेसेसरी बैचलर ऑफ लॉ इज अ थ्री इयर्स प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन साइंस कॉमर्स आर्ट्स मेडिसिन इंजीनियरिंग कोई भी ग्रेजुएट थ्री इयर्स में एलएलबी कर सकता है

जैसे जो बड़े-बड़े लॉयर है डू यू नो जो बहुत नामांकित है नॉट द ऑर्डिनरी वन पर अपीयरेंस यू नो एक बार हम कोर्ट में जाने का वो लोग चार्ज करते हैं एनीथिंग फ्रॉम 10 टू 20 लाख रुपीस पर अपीयरिंग एक दिन का एक घंटे का हाफ एन आवर का जो अपीयरेंस होता है उतना पैसा लेते हैं बट दैट इज एट वेरी टॉप मोस्ट लेवल सो इफ यू हैव इंटरेस्ट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड लाइन एंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन स्पेशलाइज और दूसरी अच्छी बात क्या है पता है उसका पासिंग रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है अनलाइक यू नो ये जो ये वाली प्रोफेशनल एग्जाम है ना जैसे चार्ट अकाउंटेंसी है और सी एफ ए CFA है उसमें ना पासिंग परसेंटेज इतना लिबरल नहीं होता है दे आर वेरी चैलेंजिंग एग्जाम कंपेरेटिवली इट्स इजियर टू गेट इन एंड गेट आउट इन द एल एल बी एग्जाम ट्वेल्थ के बाद भी एल एल बी कर सकते हैं बट ट्वेल्थ के बाद फाइव इस होता है एंड ग्रेजुएशन के बाद फिर सोता है दिंग इज दैट यू शुडरेस्ट्स ओनली रिक्वायरमेंट यू कैन वो गॉट द इंटरेस्ट इफ क्या मुंबई बेस्ड आप मुंबई से कर सकते हैं या तो आप कोई भी सिटी से कर सकते हैं आजकल तो एंट्रेंस एग्जाम भी स्टार्ट हो गया लो में पहले एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुआ करता था बट यू कैन डू इट इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू इंटरेस्ट बट याद रखना वो ऐसे कम के बाजू में रखने वाला नहीं है यू शुड बीड टू इट

अब करिए वीडियो ताल तो भी हैप्पी एक फोटो ले लेना है मुझे वीडियो ऑन नहीं हो रहा है अरे एनी अदर क्वेश्चन एनीथिंग और कोई क्वेश्चन हेलो सर माय नेम इज मोनिशा बोलो मोनिशा

सो so, सबसे पहला आपको एक्सेल अच्छा आना चाहिए बहुत पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है बेसिक एक्सेल तो आपको आता है यू कैन मंथ वगैरह या तो ऑनलाइन फाइव हंड्रेड रुपीज भी मिलता है या तो आप फ्री में भी सीख सकते हैं फ्री इज ऑल्सो गुड आई गिव यू वन वेबसाइट उसका नाम है ट्रम्प एक्सेल टी आर यू एम पी ट्रम्प ट्रम्प एक्सेल की वेबसाइट जाओ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी कंप्लीट एकदम कंप्लीट

क्योंकि आप जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं सब कुछ ऑनलाइन है सो यू मस्ट है प्लेटफॉर्म सो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए फिर सपोज आपको फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लो आप तो देखो मैंने पहला एक्सेल बोला है ओके okay? फिर आप

बहुत सारे कोर्सेज फ्री में आपको youtube पर मिलते हैं बट प्रॉब्लम youtube नहीं और ये पोर्टल पर कि स्वयं स्वायमा आप google पर टाइप करिए from where to do free courses तो आपको लिस्ट आ जाएगा बट प्रॉब्लम क्या होता है फ्री कोर्स का वो बहुत अच्छा होता है लेकिन फ्री होते हैं ना तो हम कमिटेड नहीं रहते दैट्स ओनली डिसएडवांटेज बिकॉज़ दे आर फ्री वी आर नॉट कमिटेड एडवाइज दे आर द बेस्ट या एनीथिंग एल्स

So I am doing graduation first year. No, right now we are in which standard? Doing graduation. No, no. You appeared S.Y. exam or T.Y. exam? So, what does that mean? Uh, second year you have completed or third year you have completed? First year. I oh, so year. next year you will go into the second year, no? So yes, And sir, you yeah. are in Mithibai college, no? You said you are in Mithibai college, right? No, no you yeah, which place which college i am in nepal doing my graduation from Nepal university jaipur and, uh, and you stay in nepal only yeah oh then do one thing uh, even in nepal there may be some uh, small computer institute teaching tally but if they are not there don't worry you just uh, do one thing either you write me to you note down my WhatsApp number or in Google you just write tele courses, okay? Then there are yeah. quite a few websites that teach you online, like Udemy, U D E M Y, Ude, Udemy. The good tele courses available. So there are many online uh, institute offering telecourses courses live online. So you can learn there. You can learn live okay. online. or you just note down my number. I'm writing in chat. Can you can all of you see chat? I don't know. Then I'm writing my number. You WhatsApp me, I'll send you the link and write there specifically that you are from we are from Nepal. I'll give you. And I need telly online. I'll give you. 766561701. This is my WhatsApp number 24 by 7. I'll give you. Okay? Can you? Uh, yeah. see the chat, no sir. Where well, it is, okay. Can you write down the number seven triple yes, yes, six? Yes, so yes, you just recite. I'm just writing it seven triple six, 6 and you can five six one seven zero one seven triple six five six one five 7, 0, 1. six one seven zero one. Of course, plus nine yeah. one will be there yeah. because you'll be calling yeah, from yeah. Nepal. Yeah. And Canada. right now I am in Toronto, Canada. So you can even ah. uh, uh, I will also contact you once you say hi on the WhatsApp. Okay, okay, okay send me telly sure. so I can guide you one to one also. That's possible, okay. but telly okay. is a must. Yeah. Excel is a must, but uh, before telly learn Excel. Okay, sir. Sure. Thank you, sir. And any other question for anyone? all right so thank you very much for joining this course this particular program and i've already given my number seven triple six five six one seven zero one. send me a message anytime on the whatsapp with whatever query you have i'll reply maybe by whatsapp or i can call or you can also call me only thing is that uh, since it's right now up to 10 june i'm in canada to so look at that time when there is a day in your country, there'll be night in my country. But after June I'll be in India. All right? Thank you very much for joining. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Th th thanks th a lot. Kr Krutika Patel, who guided you also. Thanks a lot.